में आप सभी का स्वागत है। मैं भीम सिंह आज आपको वर्डपैड के बारे में बताने जा रहा हूँ। वर्डपैड का यूज हम सिंपल टाइप के डॉक्यूमेंट बनाने के लिए करते हैं, जिसमें हमें रिज्यूम बनाना है, लेटर टाइप करने हैं या कोई भी पैराग्राफ टाइप करना है, वो सभी हम वर्डपैड में करेंगे। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि हम कैसे बनाएंगे, उनको कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे उसके बारे में। तो सबसे फर्स्ट हम वर्डपैड को ओपन करना सीखेंगे। वर्डपैड को ओपन करने के लिए हमें स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है हमें वर्डपैड। आपके पास एक एप्लीकेशन आएगी वर्डपैड की, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास वर्डपैड ओपन हो जाएगा। वर्डपैड ओपन होने के बाद हमें स्टार्टिंग में इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स से करेंगे स्टार्टिंग। इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि क्विक एक्सेस टूल बार होता है, टाइटल बार होता है, मिनिमाइज, रेस्ट हो डाउन, मैक्सिमाइज, क्लोज, और यहाँ पे न्यू ऐड किया गया है रिबन बार। इसे हम क्या कहेंगे, रिबन बार कहेंगे। इस रिबन बार में दो टैब होती है, होम टैब और व्यू टैब। यहाँ पे हम सबसे फर्स्ट सीखने जा रहे हैं होम टैब। होम टैब के अंदर हमारे पास ग्रुप होते हैं, क्लिपबोर्ड, फोन, पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग। तो चलिए आज हम सीखते हैं क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड का यूज होता है कट कॉपी पेस्ट करने के लिए। यहाँ पे मान लीजिए हमने इस लाइन को सेलेक्ट किया, उस लाइन को हमें डुप्लीकेट कॉपी और बनानी है, तो आप कॉपी करेंगे और आप कहीं पे भी कर्सर रखेंगे उसे पेस्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम डुप्लीकेट जितनी भी कॉपी बनानी है आप पेस्ट करते जाइए, जो हमने कॉपी की है उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनती चली जाएगी। यदि हमें यहाँ से इन लाइनों को रिमूव करना है, हटाना है, तो यहाँ से आप कट कर देंगे। नेक्स्ट होता है फॉर्मेटिंग करने के लिए फॉन्ट कमांड का यूज। फॉन्ट ग्रुप का यूज। फॉन्ट ग्रुप के अंदर कौन कौन सी कमांड होती है, जैसे कैलिबरी फॉन्ट है, साइज है। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि हमें यहाँ पे विंडो 10 का साइज चेंज, स्टाइल चेंज करनी है, तो आप विंडो 10 को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से किसी भी फॉन्ट को सिलेक्ट कीजिए, वो स्टाइल आ जाएगी। आप यहाँ से किसी भी स्टाइल को, यहाँ तक कि आप हिंदी फॉन्ट लेना चाहते हैं तो हिंदी भी आप यहाँ से ही सिलेक्ट करेंगे। आपके कंप्यूटर में यदि हिंदी फॉन्ट है, आप क्लिक कीजिए, आपके कंप्यूटर से हिंदी आ जाएगी। नेक्स्ट होता है यहाँ पे साइज। अब विंडो 10 का साइज अभी 11 है, हमें 20 करना है, क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आप 20 कर सकते हैं। यदि आपको स्टेप बाय स्टेप फॉन्ट साइज को डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है, तो यहाँ से आप इंक्रीज, ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है बी। बी का मीनिंग होता है बोल्ड। यहाँ पे कोई स्पेशल वर्ड आता है जैसे कि वर्डपैड, उसे आप बी फॉर बोल्ड कंट्रोल प्लस बी इसके शॉर्टकट के कर सकते हैं। आपको तिरछा करना है स्पेशल वर्ड, तो आप इटैलिक कर सकते हैं या उसे मार्क लगा सकते हैं अंडरलाइन। नेक्स्ट होता है यहाँ पे स्टिक थ्रो। स्टिक थ्रो का यूज होता है, मान लीजिए यहाँ पे विंडो 10 नहीं विंडो 8 लिखना है, तो यहाँ पे विंडो 10 की जगह विंडो 8 लिखना है, तो आप क्या करेंगे, 8 भी आप ऐड कर देंगे, लेकिन यहाँ पे विंडो 10 की जगह लिखना है तो उसे स्टिक थ्रो कर देंगे। स्टिक थ्रो करने से वो डैश लग जाएगा, इट मीन्स जो 10 है वो डिलीट किया गया है और उसकी जगह क्या ऐड किया गया है, 8 को। नेक्स्ट होता है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। ये होता है जैसे हम मैथ के क्वेश्चन पेपर या साइंस के क्वेश्चन पेपर टाइप करते हैं, उसमें हम टाइप करते हैं H2O, CO2, 10th, तो ये सभी हमें बनाने के लिए सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज करना है। आप 2 को सेलेक्ट करेंगे, 2 बेस लाइन से नीचे आएगा, तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो X2 और X2। तो यहाँ पे बेस लाइन से नीचे लाने के लिए सबस्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। आप 2 को सेलेक्ट करो, सबस्क्रिप्ट करो। अगर आपको TH बेस लाइन से ऊपर भेजना है तो आप TH को सेलेक्ट कर सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे। नेक्स्ट होता है फॉन्ट कलर। आप जहाँ पे भी कलर ऐड करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कीजिए, कलर पे जाइए और यहाँ से कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, कि आपको स्पेशल वर्ड हाईलाइट कराना है, जैसे कि रन कमांड। आप टेक्स्ट पे जाइए और किस कलर में हाईलाइट कराना चाहते हैं आप क्लिक कीजिए, इस तरह से आ जाएगा। यदि आपको नॉर्मल फॉर्मेटिंग करनी है तो आप सिंपल बनाना चाहते हो, टेक्स्ट को सेलेक्ट करो, टेक्स्ट हाईलाइट को,
नो कलर कर दो, जहाँ जहाँ पे जो एडिटिंग की है उस चीज़ को आप हटा देंगे। मैं ऐसा करता हूँ, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कोई भी आपके क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।